नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक शरीर के लिए कैल्शियम और मिनरल्स कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके रिच सोर्स क्या है। तो और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद, धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अगर देखिए कि शरीर को कैल्शियम और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो अगर बात करें ये कितना ज़रूरी है शरीर के लिए और इसके रिच सोर्स क्या हो सकते हैं। ऐसा है रिया जी कि कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो पूरे शरीर के लिए आप समझ सकते हैं कि एक अनिवार्य तत्व है, जिसके बिना आप शरीर की कल्पना नहीं कर सकती। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसके हड्डियों के ग्रोथ के लिए, जब वो चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, हड्डियों के ग्रोथ के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो इसलिए अब नवजात शिशु से लेकर के जब बच्चा बड़ा होने लगता है, उस समय अगर कैल्शियम की कमी अगर होगी तो उसकी हड्डियां टेढ़ी पड़ सकती हैं, ठीक से चलेगा नहीं। और हड्डियां जब कमज़ोर हो जाती हैं तो हड्डियां ही आपके जैसे पूरे मकान का फाउंडेशन, आपके पिलर पर डिपेंड करता है, उसी तरह से ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर का फाउंडेशन जो पिलर है वो आपका कैल्शियम है। तो बचपन से ही कैल्शियम की जरूरत है। शरीर के हर जो आपके पड़ाव हैं, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, सब में कैल्शियम की अहमियत है। बचपन में तो हमने देखा कि जब आपको बच्चा जब चलना शुरू किया उस समय कैल्शियम की जरूरत है। जब बाद में जवानी आई तो जवानी में आपका जब हार्ट धड़क रहा है तो हार्ट को धड़कने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। तो हृदय की धड़कन में भी कहीं ना कहीं अनियंत्रण आ जाएगा, नियंत्रण में कमी हो जाएगी अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वहाँ भी कैल्शियम की जरूरत है। ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है, जब कैल्शियम बढ़ता है तो कैल्शियम को हम लोग एंटागोनाइज करते हैं तो उसमें ज़्यादा होने में गड़बड़ी है, लेकिन कैल्शियम की अहमियत वहाँ पे है। जब मीनोपॉज हो जाता है, जो औरतों के जो माहवारी है, जो पीरियड है, बंद हो जाता है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है हड्डियों में, तो उसमें जब हड्डियों में कमी हो जाती है तो मीनोपॉज के बाद खास करके औरतों में बोन डेंसिटी घट जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए महिलाओं में खास करके अगर वो थोड़ी गिरेंगी तो उनमें फ्रैक्चर की संभावना बढ़ेगी पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में, वहाँ कैल्शियम की जरूरत है। जो मेल्स हैं उसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम के रकम में किसी को रहेगी तो नॉर्मल फॉल कोई हुआ, अगर नॉर्मल तरीके से गिरा, और एक व्यक्ति जिसमें कैल्शियम की कमी हुआ गिरा, उसमें फ्रैक्चर का परिमाण ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है रिया जी जो आपके शरीर को मजबूती प्रदान करने में, शरीर को चलायमान बनाए रखने में, शरीर को एक मोबिलिटी देने में इसकी एक अहम भूमिका है। और कैल्शियम के साथ मिनरल जो कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, तो और कैल्शियम का सोर्स बहुत सिंपल है। तो कैल्शियम का सोर्स मान लीजिए अगर आप दूध अफोर्ड कर सकती हैं तो दूध ले सकती हैं, दूध से बढ़िया कोई दूसरा चीज़ नहीं है। मिल्क इज़ अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। अंडा है, अगर एक अंडा भी आप लेती हैं तो अंडे में भी कैल्शियम है। कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, रागी है, रागी में कैल्शियम जो खाने में ही होता है। तो इस तरह से कैल्शियम का स्रोत जो प्रकृति जन्य जो उपादान जो है हमारे भी कैल्शियम का सोर्स है, उसका अगर आप सेवन करेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और अगर इसके बाद भी कैल्शियम डिफिशेंसी है तो आपको ऊपर से कैल्शियम का टैबलेट लेना होगा। अगर बात करें सर कि किसी के शरीर में कैल्शियम और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जा रही है तो फिर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? तो उसमें फिर जैसे हमने कहा कि वो हाइपर कैल्शीमिया उसको कहते हैं, कंडीशन है। तो हाइपर कैल्शीमिया में जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर का कोई मरीज अगर होता है तो उसमें हम लोग कैल्शियम कम करने की दवाई देते हैं, कैल्शियम एंटागोनिस्ट होता है। तो जब कैल्शियम कम होता है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम होने से वो कार्डियल कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है और हार्ट के को जो धड़कने की क्षमता है उसको पर उस पर असर करता है। तो आप कैल्शियम को कम करके आप उसके हाइपरटेंशन को कम करते हैं। तो कभी कभी कैल्शियम की अधिकता भी आपके लिए खतरे का संकेत होती है। तो इसलिए सब कुछ मॉडरेशन में होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा कमी और न बहुत ज़्यादा उसका परिमाण। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि किस मात्रा में और कितना ज़रूरी है कैल्शियम और मिनरल शरीर के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुने थे, जिन्होंने हमारे साथ कैल्शियम और मिनरल्स के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।